आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, हमें क्या करना है, जो वर्ड दिया ना कोलैबोरेट, इसका क्या देखना है, सिनोनिम बताना है। ओके, सो सिनोनिम क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स, ऐसे वर्ड जिनका जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हो, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है। ओके, कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे वन बाय वन। तो कोलैबोरेट का मीनिंग होता है वर्क जॉइंटली होता है। ओके, किसी भी काम को, किसी एक्टिविटी, किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी काम को क्या करना, जॉइंटली करना, एक साथ करना, राइट। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है पार्ट। ओके, तो पार्ट का मीनिंग क्या होता है, सम बट ऑल नॉट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का कुछ कुछ होना, किसी चीज का कुछ प्रेजेंट होना बट नॉट ऑल। ओके, सम बट नॉट ऑल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का थोड़ा हिस्सा होना, पूरा नहीं। ओके, पार्ट मतलब हिंदी में हिस्सा होता है। ओके, अब ऑप्शन बी है डिसअग्री। डिसअग्री का मीनिंग क्या होता है, देखो डिसअग्री का मीनिंग होता है कि हैव और एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियन, मतलब कि एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियन, जैसे कि आपके जो ओपिनियन है उससे एग्री नहीं कर रहे हो, आप उससे एग्री नहीं कर रहे क्योंकि आपके जो ओपिनियन है ना वो क्या है, डिफरेंट है, उससे अलग है, तो आप क्या करोगे, उसको डिसअग्री कर दोगे, हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन, राइट। अब हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या, एक्शन है। एक्शन का मतलब पता है, एक्शन इज अ वर्ब, किसी चीज का एक्शन वर्ब कहलाती है। ओके, एक्शन का मतलब होता है टू डील विद, किसी चीज से डील करना। ओके, किसी चीज के लिए डील करना। ओके, एंड ऑप्शन डी है को एक्ट। को एक्ट का मीनिंग होता है टू एक्ट, मतलब कि एक साथ मिलकर काम करना, टू एक्ट और वर्क टूगेदर इन एनी प्रोजेक्ट। ओके, तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कोलैबोरेट का मीनिंग पूछा गया था, राइट। तो कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है कि एक साथ काम करना जॉइंटली, और कोएक्ट का भी मीनिंग यही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है कि कभी कभी इतने सारे वर्ड्स हो जाते हैं ना कि वो याद नहीं होते, है ना। तो कोलैबोरेट को आप, कोलैबोरेट तो बहुत ईजी वर्ड है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोलैबोरेट को। ओके, तो इसका ट्रिक की टर्म ले सकते हैं कोलैबोरे। ओके, कोलैबोरे से आपको, जैसे आप जैसे भी वर्ड देखोगे कोलैबोरेट, तो आपके दिमाग में बोरे आ जाएंगे, और बोरे से आप क्या कर लोगे कि बोरे तो रहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रेन सीरियल्स के बोरे होते हैं वो एक साथ होते हैं, उनको काम करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, है ना। एक 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 इंसान सारे बोरे को नहीं ले पाएगा, उनको जॉइंटली वर्क करना पड़ेगा, तो आप इसके की टर्म ले सकते हो कल बोरे। इससे क्या होगा, आप बोरे को इमेजिन करोगे, पिक्चराइज करोगे, तो आपके माइंड में एक इमेज जब जाएगी कि हाँ इतने सारे बोरे हैं और बोरे को अकेले इंसान नहीं ले जा सकता, उसको जॉइंटली वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, और उसी से सिमिलर वर्ड हो जाएगा हमारा को एक्ट। ओके, सो यही हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।